एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फीनिक्स टेक्नोलॉजीज के लैपटॉप्स के प्राइजेस। मेरे को बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे कि लैपटॉप के बारे में वीडियो बनाओ, 30, 60, 30, 50, ये सारे लैपटॉप्स के बारे में हमें वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको 30, 60, 30, 50 सारे लैपटॉप दिखाऊंगा। स्टार्टिंग बेसिक 1650 लैपटॉप से करेंगे और जाके हम लोग हाई एंड लैपटॉप्स कवर करने वाले पूरे वीडियो में। चलो वीडियो चालू करते और देखते हैं फीनिक्स टेक्नोलॉजीज में हमारे लैपटॉप्स के क्या प्राइजेस चालू है। ओके, तो प्रतीक भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। देख रहा हूं आपके पास जितने भी अभी गेमिंग लैपटॉप्स के आपके पास वैरायटीज है, आपने सारे अरेंज कर दिए हैं। तो अभी गेमिंग लैपटॉप्स में कैसा चल रहा है, क्या वैरायटीज है करंटली, अभी कैसा है जरा? ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस हाई रहने के कारण पब्लिक अभी गेमिंग लैपटॉप्स पे ही शिफ्ट हो रही है, राइट? तो अभी कैसा चल रहा है प्राइसेस गेमिंग लैपटॉप का? बहुत क्विकली सर बता दूंगा, काफी ज्यादा लैपटॉप्स है, काफी कॉन्फ़िगरेशन है। सो अभी जितने भी लैपटॉप्स अभी ये वीडियो में जो कवर कर रहे हैं दैट इज विद एनवीडिया डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, मिनिमम 4GB जो GTX 1650 से चालू होगा। शुरू करेंगे i5 10th generation से, एसर पे आएंगे, एसर नाइट्रो 5, इट्स अ वेरी गुड लैपटॉप। देखेंगे तो 15.6 इंच फुल एचडी स्क्रीन के साथ है, i5 10th जनरेशन प्रोसेसर आएगा, 8GB DDR4 की मेमोरी इसमें आएगी आपको, 16GB कस्टम कर सकते हो, बाय कंपनी 512 SSD भी मिलेगा, 1TB हार्ड ड्राइव प्लस 256 SSD वेरिएंट भी मिलेगा। इसकी ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे तो इसमें आएगा GTX 1650, एनवीडिया की तरफ से जो ग्राफिक कार्ड है। आज 1650 i5 या Ryzen 5 ऐसी मशीन बनाओ तो आपके 50, 45, 60,000 मतलब 50-60,000 आराम से जाते हैं। इसकी प्राइस की बात करेंगे i5 10th with GTX 1650 ये आपको आता है 51,000 तक के। इसमें आपको 8GB 1TB वेरिएंट आएगा 53,500, स्ट्रेट 1TB SSD कस्टम चाहिए तो आपको वो भी मिलेगा 57,000, उस तरह का प्राइसिंग जाएगा। ये हो गया एसर नाइट्रो की बात करेंगे। इसके बाद में बताता हूँ जो ट्रेंडी में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग आपने ASUS स्टाफ सुना रहेगा, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में काफी अच्छा है एंड क्वालिटी ASUS टॉप नॉच है, तो देयर इज नो क्वेरी इन दैट। ये स्टार्ट करेंगे इसमें कोर i5 10th gen, 8GB रैम, 512GB SSD बेस वेरियंट है, GTX 1650, 15.6 inches फुल HD स्क्रीन आएगा 1920x1080 विद 144Hz स्क्रीन और विंडोज 10 बाय कंपनी आएगा। कोई कोई मॉडल देखेंगे जैसे इसमें मेरे पास है कोर i5 11, सो दैट कम्स प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 11, तो विंडोज 11 के भी गेमिंग लैपटॉप्स हमारे पास रेडी स्टॉक है। बात करेंगे प्राइस की, i5 10th gen ये विद 1650 स्टार्ट होता है 53,500 से, इफ यू गो विद 8GB रैम 1TB हार्ड ड्राइव 256 SSD वो जाता है आपको 55,000 से, एंड फिर उसके बाद अगर आप 1TB SSD लेंगे तो दैट इज फॉर 57,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ओके, अगर हम लोग ग्राफिक कार्ड्स में देखने जाए अभी कैसा है कि 1650 ज्यादातर ग्राफिक कार्ड पब्लिक सजेस्ट नहीं कर रहे, 3050, 3060 यही ग्राफिक कार्ड पे लोग आ रहे हैं। तो अगर आपने ये जो दो मॉडल्स बताए एसर और टफ के बीच में, तो इसमें अगर 3060 में देखने जाए 3060 में क्या प्राइस डिफरेंस आएगा? 3060 में अगर आप देखेंगे सर मेरे पास कोर i5 11th generation है, ASUS टफ में आएगा -15 series, 16GB रैम, 512GB SSD, RTX 3050 के साथ आएगा, उसकी कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे तो दैट इज फॉर 63,500, दैट इज स्टार्टिंग। इसमें भी सर बहुत ज्यादा मॉडल्स अलग अलग आते तो उसमें आप कंफ्यूज ना रहिए, मॉडल्स अलग अलग मिलेंगे, i5 11 16GB रैम, किसी में 8 आना, किसी में हार्ड ड्राइव काम ऊपर नीचे वैसा होगा, बट बेस वैल्यू इससे स्टार्ट होता है। मेरे पास इसमें आपको RTX 30 तक के i5 11 जनरेशन में मिल जाएगा। 3060 की बात करूं, मेरे पास एक मून व्हाइट कलर का लैपटॉप है ASUS का जो टफ सीरीज में आता है, उसकी अगर कॉस्टिंग की बात करूंगा दैट इज फॉर 79,500 ऑल इंक्लूसिव, RTX 3060 विद 16GB रैम के साथ। ओके, अगर 3050 में देखने जाए सर, तो 3050 में एसर में कितने वैरायटीज आ रही है? एज ऑफ नाउ एसर में सर हमने इतने नहीं देखे और प्रेफर जो ज्यादा कस्टमर करे वो आज टफ के साथ ही जा रहे हैं, टफ का क्वालिटी जो है वो एक अच्छा है। इसी के साथ और एक लैपटॉप HP ने निकाला हुआ था जो आपने देखा रहेगा, दिस इज HP Victus 16 16 इंच के साथ आता है, तो यही तो मॉडल है जो अभी रनिंग हो रहा है विद RTX सीरीज ग्राफिक कार्ड। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये बताया 62-63 से मेरे पास MSI के लैपटॉप्स भी है जो 3050 के साथ आ जाएंगे, आपको वो भी मैं दिखाऊंगा जो लास्ट में भी MSI है। 62-63 से आपके RTX 3050 अलोंग विद i5 11 स्टार्ट हो जाता है। ओके, और Victus में आते हैं सर, Victus में आपके पास क्या वैरायटीज अभी आ रही है? Victus में आपको मिल जाएगा Ryzen 5 सीरीज में आएगा विद GTX 1650 Ti, RTX 3050, RTX 3060 तक के रेंज आपको सारी मिल जाएंगी। और प्राइसिंग की बात करो अगर Ryzen 5 की आप देखेंगे तो ये मॉडल आपका चालू होता है 57,000 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस से, दैट इज Ryzen 5। आप Intel जाएंगे तो दैट इज फॉर 60-61,000 से आपकी रेंज स्टार्ट होगी। और ये जो आप जितने भी प्राइसेस बता रहे हो सर, ये विद GST के ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस? यस सर, 8% क्लेमेबल GST आएगा प्रॉपर। ओके, और ये जितने भी प्राइसेस है सर, ये ऑनलाइन से कंपैरेटिवली ऑफलाइन में कम ही रहते हैं? 100% कम रहते हैं सर। देखो अगर आप बोलेंगे मार्जिन, अगर ऑनलाइन 70,000 है आप 50 में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? वो टाइम आपको थोड़ा सेंसिटिव होना है और थोड़ा अच्छा दिमाग चलाना है। प्राइसिंग अगर 70 रहेगा यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 65,000, 67, कभी कभी ऐसे चीज रहती है अमेजोन सेल, फ्लिपकार्ट सेल, तो तब सेल तो शायद हम 2-3 हजार ही मैच कर पाते, बट ऑल टाइम मोस्टली आप देखेंगे तो प्राइस में आपको ज्यादा नहीं तो भी मैं 10-12% का एवरेज और प्राइसिंग डिफरेंस तो बता के दे दूंगा। तो ये Victus होने के बाद सर अभी आते प्रेडेटर सीरीज में, प्रेडेटर सीरीज में आपके पास कितने वैरायटीज अभी अवेलेबल है? अवेलेबल तो सारे सर, मैं आपको एक एक राइट हम लोग एक एक आपको दिखा दूंगा तो शायद पूरा दिखा नहीं पाऊंगा। अभी ये भी आप देखेंगे i7
i7 10th generation, 16GB RAM, 1TB hard drive, 256GB SSD with RTX 3060 3060. अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करेंगे, that starts from 78,000 all inclusive. उसमें भी variants अलग अलग है, so according to variants सारे मॉडल चल रहे हैं. ओके, और प्रेडेटर में अभी जो 16 सीरीज में GTX सीरीज में कोई नहीं आ रहे अभी करंटली. GTX में कोई ले नहीं रहा ना, बिकॉज GTX सीरीज ऑलरेडी एसर के जो नाइट्रो सीरीज है या एस्पायर 7 सीरीज, जिनका बजट एक्सट्रीम लो है, दे ट्राई टू गो विद एस्पायर 7, दैट इज ऑल्सो गुड लैपटॉप. अच्छा, जो मेन बात है, एस्पायर 7 से लेके आप एसर नाइट्रो की बात करिए या प्रेडेटर की बात करिए, और या असूस लीजिए या एचपी, चाहे कोई भी लैपटॉप लीजिए, इनमें सब में डुअल कूलिंग सिस्टम आ ही रहे, सो देयर इज नो वरीज विद एनी ऑफ द लैपटॉप. एसर प्रेडेटर एक हाई एंड सेगमेंट में आता है, नाइट्रो एक मिड रेंज सेगमेंट में, और अब एस्पायर सीरीज दैट इज द एंट्री लेवल सेगमेंट. तो सेगमेंट टू सेगमेंट का डिफरेंस है, बट हाँ क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है. इसमें आप देखेंगे मेटल फिनिशिंग बॉडी थोड़ा आता है, एसर नाइट्रो का थोड़ा सा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है. सेम विद आरओजी एंड टफ, अगर आपने आरओजी देखा, मैं आपको वो भी एक दिखाऊंगा आगे, तो वो और अब टफ अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस ऐसे ही पता चले. ओके, तो अभी आते हैं लीजन सीरीज में. लीजन में अभी कैसा है, लीजन में 3i 5i सीरीज भी बहुत आए हैं, तो अभी आपके पास क्या वर्जन है और क्या वेरिएंट्स अवेलेबल? सो अभी भी आपको मैं दिखाता हूँ, दिस इज कोर i7 10th जनरेशन अलोंग विद RTX 3060, ये भी 3060 के साथ है. 3060 लैपटॉप हमारे पास स्टार्ट होते हैं सर, जैसे मैंने आपको बताया 78,000 to 79,000 से, जिस तरह का जैसा कॉन्फ़िगरेशन 11 जन, मे बी आपको रैम अपग्रेड करके किए, मे बी यू वांट अ हार्ड ड्राइव अलोंग विद अ 1TB SSD, वी कैन डू एवरीथिंग. ओके, तो ये हो गया कंप्लीट लीजन सीरीज के ऊपर. लीजन सीरीज में सर 1650 ऐसे जो बेसिक वेरिएंट वाले लैपटॉप आते हैं, उनकी स्टार्टिंग क्या रहेगी? 1650 आई विल टॉक विद द राइजन 5 सीरीज 4600H, 8GB 512GB SSD एंड 1650 अलोंग विद 15.6 फुल SSD, बाकी सारी चीज वही है सर. इसकी अगर प्राइस की बात करें, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 51,000, दैट इज राइजन 5 4600H, नॉट द 3rd जन बट द 4th जन प्रोसेसर. अभी आते हैं आरओजी सीरीज के ऊपर. आरओजी सीरीज में कितने वैरायटीज आप देखने वाले हो? वैरायटीज तो सर मैंने फिर बताई, आप एक नहीं 50 मांगो सारे मिलने आपको, डिपेंड्स ऑन द मॉडल. आप मॉडल बताओ या कॉन्फ़िगरेशन बताइए, हम आपको ऑप्ट आउट करके दे देंगे कौन सा बेस्ट पॉसिबल मॉडल आपके लिए. अभी बात करेंगे तो ये देखें, दिस इज द आरओजी लैपटॉप, स्ट्रीक्स आप देखेंगे Asus का आरओजी लैपटॉप, कोर i7 अगेन, दिस इज विद GTX 1650. आई हैव द बेस मॉडल फॉर नाउ, दूसरा पीस वो मैं ला नहीं पाया 2060 या 3060 का, बट यू कैन सी द लुक्स सिमिलर आपको, ये तो इससे और ज्यादा अपग्रेडेड मॉडल्स मिल रहे हैं. क्या होता है, सारे लैपटॉप्स बताना या सारे लैपटॉप डिस्प्ले करना एक साथ पॉसिबल नहीं होता, और एक ही लैपटॉप के हम लोग बोल सकते हैं 5-5, 6-6, 7-7 वेरिएंट आ रहे बीच बीच में. सर जितना मैं समझता हूँ एज अ कस्टमर, मैं प्राइसिंग देखूंगा, नो डाउट फर्स्ट थिंग इज लैपटॉप क्वालिटी एंड एवरीथिंग के रिफर्ब ना निकले या कुछ दूसरा तरह ना निकले, ना इसका उसका यहाँ कुछ ना हो, पर सर वही चीज है बेस्ट क्वालिटी एंड आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िग शेयर करिए, हम आपको बेस्ट प्राइस करवा के देंगे, दैट इज फॉर श्योर. तो अभी इसके प्राइसिंग के ऊपर आते हैं सर, आरओजी सीरीज के अभी क्या प्राइसिंग चल रहा है? सर आरओजी अभी जैसे i7 विद 1650 है, ओके लैपटॉप है अभी, मतलब अभी ज्यादा कोई मांगता नहीं है ये चीज, बट अगर इसकी प्राइस की भी बात करो, ये मैं आपको करा के दे सकता हूँ 63,000 स्टार्टिंग, दैट इज कोर i7 लैपटॉप 10th जन. फिर इसमें मेरे पास i5 11th भी मिलेंगे, RTX 3050, वो तकरीबन आपको जाते हैं 69-68,000 से स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स हो जाते हैं. फिर वही हो गया रैम एंड सब चीजों की अलग अलग प्राइसिंग की अलग बात है वैसे. ओके, तो अभी आते हैं HP के NV सीरीज के ऊपर. दिस इज अ प्योर बिजनेस सीरीज लैपटॉप. आपने जैसे डेल में XPS सीरीज देखा रहेगा, XPS 13, XPS 15, सो द सेम थिंग कम्स अलोंग विद HP. ये आता है HP NV सीरीज. अगर इसकी आप लैपटॉप की लुक्स की बात करें, यू कैन सी द लैपटॉप इज सो स्लिम, स्लीक है, काफी स्लिम है, कलर बहुत अच्छा है, स्टाइलिश लैपटॉप है. दिस ऑल्सो कम्स अलोंग विद विंडोज 10, विंडोज 11, बोथ द वर्जन. अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कोर i5 10th मिल जाएगा आपको GTX 1650 के साथ, स्टार्टिंग फ्रॉम 63,500. NV सीरीज है, थोड़ा अलग सा लैपटॉप है. इसमें वेरिएंट भी मिलेंगे 11 जन, 3050, 3060, जो आपको चाहिए आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी चीज अवेलेबल करके मिल जाएगी. तो प्रतीक भाई अभी आते हैं ओमन सीरीज के ऊपर. ओमन सीरीज भी बहुत ही अच्छा गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, जो मीडिया कंजम्पशन है मीडिया एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा ओमन सीरीज यूज होता है. तो ओमन सीरीज में आपके पास अभी कितने वैरायटीज अवेलेबल है? ओमन में भी सर वैरायटीज तो मिलेंगी, बट ओमन आज ज्यादा हम रेकमेंड करते नहीं है, जस्ट बिकॉज अभी विक्टर सीरीज इज गोइंग वेरी गुड, विक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स काफी अच्छी है और काफी ज्यादा अच्छे रिव्यूज है विक्टर्स पे, ज्यादा करके हम भी लेटेस्ट वर्जन ही पिच आउट करने की करते, बट डिपेंड्स कस्टमर के बजट अप डाउन हो, तो हम बेस्ट पॉसिबल क्या दे पाए डिलीवर कर पाए वो चीज जरूरी रहता है. अभी इसकी बात करेंगे, ये भी आपको आएगा कोर i7 फ्रॉम GTX 1650 अप टू RTX 3060 वेरिएंट आएगा. ओमन की अगर प्राइस की बात करोगे तो मैं कोर i7 का आपको प्राइस बता दूंगा 1650 के साथ, आपको ये आ जाएगा 73,500 से स्टार्टिंग, फिर व्हाटएवर द प्राइसिंग का. और टॉकिंग अबाउट i5 3050 i5 3060 पे सारे ही है सर, पर वही है मैं बता रहा हूं ना, जैसे कि आपको 62 65 66 अलग अलग वेरिएंट्स अलग अलग प्राइसिंग के हिसाब से आते हैं. ओके, और इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या रहेगा फिर अगर बात करने जाए तो? RTX 3050 HP ओमन में नहीं थी, बट मैंने अभी विक्टिस जो बताया था आपको, विक्टिस में आपको 3050 मिल जाएगा 4GB वेरिएंट. मैं आपको i5 11 जन वो भी आपको करा दूंगा 66,000 स्टार्टिंग आपका, 66 आपको वो भी करवा के दे दूंगा. ओके, तो अभी आते हैं लीजन सीरीज के ऊपर. लीजन में देख रहा हूं i7 का 10th जन का. तो लीजन सीरीज में इसका वैरायटीज हमें बताना, इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी? अभी वही कोर i7 10
इंजन 16GB द सेम विद द प्रेडेटर सीरीज i7 16GB रैम 1TB हार्ड डिस्क 256 SSD। इसमें आपको 1TB SSD वेरिएंट भी मिलेगा, 512 वेरिएंट भी मिलेगा, RDX 3060 2060 3050 व्हिचएवर लैपटॉप यू वांट सारे मिलेंगे। प्राइस की बात करेंगे तो इसमें मेरे पास GTX 1650 के साथ भी जैसे मैंने आपको बताया। बात करूंगा 2060 की तो 2060 i7 आपको पड़ जाएगा लगभग 69,000 RTX 2060 6GB के साथ। अगर आप 3050 का देखते हो 3050 वही आपको 68,000 69,000 Legion 5 सीरीज आएगा, तो सीरीज में फर्क पड़ता है। आइडिया पैड भी आता है, दैट इज अ चीपर वर्जन। आपको सस्ते लैपटॉप भी मिलेंगे। सर वही बता रहा हूँ कि सारे लैपटॉप एट अ टाइम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यही है, यू कॉल अस, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको आपका बजट बताना है। अगर आपको नहीं आइडिया विच मॉडल यू हैव टू गो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम वो भी हेल्प करेंगे। कई बार क्या होता है सर, हम भी बोलते तो शायद बोलने में प्राइसिंग का इशू हो जाता है या कभी मुंह से ऊपर नीचे निकल जाता है। अभी आप जैसे जितने भी लैपटॉप देखे, अगर आप कंपेयर कर रहे हो मुझे या मेरे प्राइसिंग को फ्लिपकार्ट अमेजोन या व्हिचएवर वेबसाइट से, यू कैन सेंड मी द टोटल स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट भेजिए मुझे हर लैपटॉप के, मैं वो लैपटॉप का आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ऑनलाइन से इसमें प्राइस में आपको अंदर आएगा ही आएगा। ओके, तो आप उतना गारंटी दे रहे हो कि अमेजोन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया उससे कम ही आप 100% इसके लिए हम लोग बोलते हैं रिटेल काउंटर्स में सस्ते। यू कैन ट्रस्ट ऑन द सॉफ्टवेयर। अच्छा मैं ये चीज आपको बोलूंगा, कई बार क्या होता है सर, आपने लैपटॉप तो ले लिया बट बहुत कस्टमर्स मैंने देखे सर, किनको राइनो यूज करना रहता है, किसी को जुवेल कैड यूज करना होता है। मेरे पास बहुत कस्टमर्स जो गोल्ड के जो डिजाइनिंग है वो बनाते हैं, मेट्रिक सॉफ्टवेयर काफी सारा है, तो हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की भी टोटल सपोर्ट है आपको, जितने जिस तरह के जैसे सॉफ्टवेयर चाहिए हम सब आपको करा के दे सकते हैं। ये हो गए सॉफ्टवेयर के बारे में। सर अभी आते हैं लास्ट लैपटॉप पे, MSI के ऊपर। MSI का जो लैपटॉप है वो मैं बहुत ही प्यारा लैपटॉप है, लैपटॉप मेरे पास अभी MSI का हाल फिलहाल में, आई हैव द GF65 लियोपर्ड सीरीज, दैट इज ऑल्सो कोर i7 अलॉन्ग विद 2060 एंड 3060 बोथ वेरिएंट्स अवेलेबल। यही एक लैपटॉप है जिसमें स्टील सीरीज का कीबोर्ड यूज करा है। शायद लोगों को पता हो ना हो, स्टील सीरीज बहुत लेजिट ब्रांड है, था मतलब एक टाइम पे इंडिया में बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट था। सो इसमें एक स्पेसिफिक जो कीबोर्ड है, दैट इज ऑफ स्टील सीरीज कीबोर्ड, ये स्टील सीरीज के स्पेसिफिक RGB कीबोर्ड यूज हुए हैं। प्राइस की बात करेंगे, MSI इज ऑन अ वेरी चीपर साइड। इफ यू सी कोर i5 10th जनरेशन सपोज 8GB 512 SSD विद 1650 स्टार्टिंग फ्रॉम 47,000-48,000 सर, बहुत अच्छा अग्रेसिव प्राइस है i5 10th जनरेशन के साथ। इफ यू गो विद i5 11th जनरेशन विद RTX 3050 दैट विल स्टार्ट अराउंड विद 63,500 ऑल इंक्लूसिव। तो इतना अच्छा प्राइस MSI में है। MSI इट्स अ गुड ब्रांड, एवरीथिंग इज गुड, बट मैं छोटी सी एक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, जस्ट द सर्विस थिंग। MSI सर्विस इंप्रूव करेगा तो शायद Asus को कॉम्पीट 100% वो करेगा। राइट नाउ ऑल्सो इट इज डूइंग, बट द सर्विस पॉइंट ऑन अ वीक साइड ऑफ MSI, बट रिकमेंडेशन 100% यू कैन गो। सर्विस में सर ऐसा हो सकता है कि 2 दिन की जगह 4 दिन लगे, लेकिन ये मत सोचना कि आपको सर्विस नहीं मिलेगा। तो अभी आते हैं लास्ट लैपटॉप के ऊपर सर, लास्ट लैपटॉप ओमन सीरीज का। yes. मैं देख रहा हूँ आपके पास 2 या 3 ओमन सीरीज अभी अवेलेबल है, तो ओमन सीरीज की ये लास्ट वैरायटी है 1650 वाली, इसकी क्या रेंज रहने वाली है सर? 1650 i7 ओमन आपको मैं दे दूंगा 64,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। ओके, 64,000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। तो गाइस ये हो गया कंप्लीट लैपटॉप का वीडियो, पर प्रतीक सर मुझे ना जरा एक 2-3 क्वेश्चन पूछना था आपको। अभी कैसा है, मुंबई में बहुत सारे लैपटॉप्स की वीडियो आ रही है, ये जो लैपटॉप्स है बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये यूज लैपटॉप्स रहते हैं, ओपन बॉक्स लैपटॉप्स रहते हैं, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? यूज लैपटॉप और ओपन बॉक्स तो सर अभी देखो मैं मेरी बात करूं, आप मुझसे पूछ रहे हो, एज अ टेक्निकल पर्सन सर मैं नहीं समझता कि ये चीज मैं करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि कस्टमर इतना बेवकूफ होगा कि वो उसको पता नहीं चलेगा कोई चीज। इट्स अ टोटल ट्रस्ट फैक्टर थिंग सर, वो खाली भरोसे की बात है। अभी आप लैपटॉप्स देखेंगे मेरे पास इतने लैपटॉप्स पड़े हुए, बट ऑब्वियसली सर आई गेस ये वीडियो आने के बाद जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ ऑन द यूट्यूब का थिंग, जितने मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, बहुत कस्टमर जो बोलते हैं बहुत जूना दिखा रहा है, नया नहीं दिखा रहा है। दोस्तों आप ये चीज समझिए कि सब चीज दिखाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हम भी एज अ ह्यूमन आई एम वर्किंग विद सच अ बिग थिंग। आप मेरा स्टॉक देखोगे ज्यादा नहीं तो भी काफी ज्यादा स्टॉक रहता है, हमको इतना संभालना सब लेके चलना इज अ वेरी टफ थिंग फॉर अस ऑल्सो। आप सपोर्ट करिए सर, गाली देंगे कोई मजा नहीं आना है, आपको नहीं हमारे को नुकसान है, हम तो सपोर्ट मांग रहे, नॉट फॉर ओनली माई स्टोरी, मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप सपोर्ट करेंगे हम और अच्छे से काम कर पाएंगे सर। अभी हम लोगों ने तो बहुत सारे वैरायटीज दिखा दिए सर, पर किसी को अगर 3060 में सबसे सस्ता गेमिंग लैपटॉप अगर लेना रहेगा तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस क्या रहेगी? 3060 राइट, 3060 6GB सर सस्ता फिर देख के कोई मतलब नहीं है, लेना तो फिर क्वालिटी वाला है। अगर आप सोचते हो फिर भी लेना तो Asus TUF इज अ गुड ऑप्शन सर। देखो जितने अच्छे लैपटॉप हैवी लैपटॉप आप सोच रहे हो लेना, उतने अच्छे वेंटिलेशन भी होने जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में बोल दिया कि डुअल चेंबर फैन है तो बस वो चल जाएगा, हर चीज की क्वालिटी रहती है, CFM रहता है। Acer Predator अगर आप देखोगे इट हैज अ सॉफ्टवेयर व्हिच नेम्स प्रेडेटर सेंस। प्रेडेटर सेंस क्या करते हैं, आपको जो फैन की CFM है जो RPM है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। सो तब अगर सस्ता देखेंगे शायद तब काम नहीं चलेगा, बट 3050 तक के अगर आप जाएंगे ना तो यार फ्री टू गो विद एनी ऑफ द चीपर ऑप्शन। कोई लैपटॉप में कैसी भी कंप्लेंट्स नहीं है, लोग बोलते हीट होता है, दैट इज ओवर हीट होता है, बट दैट इज नॉट ओवर हीटिंग, इट्स अ बेसिक हीटिंग। लैपटॉप्स गर्म होंगे ही, उसके अंदर इतनी डेडिकेटेड पावर लगी हुई है, डेडिकेटेड NVIDIA के इंजन लगे हुए हैं, जो ग्राफिक कार्ड्स है वो देखा जाए तो काफी अच्छे और काफी बेटर ग्राफिक कार्ड्स है।
थोड़ा तो हीट होना ही है। क्वालिटी वाइज इफ यू गो विद 1650 GTX 1650 वाले लैपटॉप है तो आप HP, Acer, Lenovo, Dell, Asus या जितने ब्रांड है सब जा सकते हो। i5 10 Gen 1650 जिसकी स्टार्टिंग मैंने बताई थी 47-48 से मैं आपको करा के दूंगा। MSI 1000 रुपया ऊपर या नीचे पकड़ के रहना, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो अप डाउन थोड़ा हो सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बट 47-48 से 1650 स्टार्ट होगा। कोर i5 में अगर आप Ryzen 5 4600H सीरीज देखोगे तो वो मैं आपको 46,000 से मैं स्टार्ट करवा के दूंगा। डिपेंड ऑन द मॉडल, Lenovo IdeaPad Gaming 3 है, Legion है, फिर Asus टफ जैसे मैंने बताया, Nitro है, Predator है, ROG like whichever whatever you want, everything is ready along with us। तो सर देखिए मैंने काफी वीडियोस देखे लैपटॉप्स के रिगार्डिंग, मेरे फ्रेंड्स के ही है काफी जो पहचान वाले है, उनके कमेंट सेक्शन में मैंने काफी चीज देखी। आई एम नॉट श्योर वो है कि नहीं, बट मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ओवर प्राइज्ड है या समथिंग, कुछ प्राइसिंग में बाद में खेल रहे हैं। तो रही बात प्राइसिंग की, सर मैं वीडियो में जो प्राइसिंग बता रहा हूँ दैट इज एन एवरेज अप्रोक्सीमेट प्राइस जो स्टार्ट होगा। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं इतना गारंटी देता हूँ, आप कॉन्फिगरेशन भेजेंगे आपको लगा कि नहीं प्राइस महंगा है, आप कोई भी वेबसाइट से मुझे एक स्क्रीनशॉट आप अवेल करा दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको प्राइस में 110% आपको मिनिमम 8% का बेनिफिट तो आपको 100% अलॉन्ग विद प्रिंटेड GST इनवॉइस के साथ आएगा, जो हर कंपनी की रिस्पेक्टिव वारंटी के साथ आपको मिलेगी। इसमें मेरे पास कुछ ऐसे ब्रांड्स भी है जिनके साथ टाई अप है, जो 1299 1300 रुपए में, मात्र 1300 रुपए में आपको OnePlus 2 वारंटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो सारी चीज भी हम अवेल करा के देंगे ऑन द काउंटर इटसेल्फ हियर ओनली। और ये जितने भी आप लैपटॉप्स बार में सेल करने वाले हो सर, ये तो हम लोग ने डमी यूनिट्स दिखा दिए, पर जो भी लैपटॉप्स आप कस्टमर्स को दोगे वो सारे बॉक्स पैक यूनिट्स रहेंगे 100%। देखिए हमारे यहाँ पे जितने, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन या यूट्यूब या इंस्टा, हमारे यहाँ पे जो रिटेल फुटफॉल भी है, टचवुड इट्स अ वेरी गुड रिटेल फुटफॉल, उनके भी जब लैपटॉप हमारे होते सर तो हमारे वही काउंटर्स है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स भी उनके सामने असेंबल करते हैं, इफ लैपटॉप भी रहेगा अनबॉक्सिंग विल बी डन हियर इटसेल्फ। हम ऐसा नहीं क्योंकि चीज बैक एंड में करेंगे, व्हाट एवर इट इज डन आपके सामने अनबॉक्सिंग हम नहीं करेंगे, कटर आपके पास आप खुद करिए, टिल द टाइम यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप बैठिए चेक करिए परखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको लगा नहीं कुछ गड़बड़ है खाली हमको एक वैलिड रीजन देके आप वो पीस भी छोड़ के जाइए, आई एम नो वन टू टेल यू एनीथिंग अबाउट। ओके सर थैंक यू सो मच। और गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो, अगर आपको जो भी लैपटॉप चाहिए जो भी मॉडल चाहिए, सर का जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है प्लस व्हाट्सएप लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप व्हाट्सएप लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली सर को रिडायरेक्ट हो सकते हो। आपको जो भी मॉडल चाहिए जो भी ब्रांड चाहिए लैपटॉप का आप डायरेक्टली उनको पिंग कर सकते हो। सर जो रिप्लाइज है, मुझे रिप्लाइज का भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका रिप्लाई जरा लेट आ रहा है, सर, तो अभी गारंटीड हूँ कि अभी आपको जो दिन इंक्वायरी हुई उसके एक घंटे के अंदर तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। वी हैड अ डेडिकेटेड टीम फॉर नाउ, यूट्यूब के माध्यम से हो गए, हम अभी हमारे वेबसाइट पे भी काम करें, सो दैट्स नॉट माय ओन वेबसाइट बट आई एम डूइंग अ पार्टनरशिप अलॉन्ग विद माय पार्टनर, जो ऑनलाइन का काम काफी टाइम से मेरे साथ कर रहे थे। वी आर कमिंग विद अ वेरी गुड वेबसाइट विद इन अ मंथ और टू मैक्सिमम, काम दिवाली से चल रहा है बट यही हुआ एज अ पर्सन सिंगल इतना हैंडल करना पॉसिबल नहीं था। और रही बात रिप्लाइज की या रही बात इंक्वायरीज की, आई अश्योर यू के मैक्सिमम दैट इज अ 1 आवर टाइम, जो एक घंटे टाइम में आपको रिप्लाई नहीं आया तो सर इट्स अप टू यू, नो प्रॉब्लम। ओके सर थैंक यू सो मच। और गाइस ये था एक कंप्लीट वीडियो अबाउट लैपटॉप्स, और हाँ ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में और भी लैपटॉप्स दिखाएंगे और भी वैरायटीज दिखाएंगे लैपटॉप की, ये बेसिक लैपटॉप्स हमने दिखाया पार्ट 1 में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू अस, बाय बाय।